हाल ही में ईशांत शर्मा और प्रतिमा सिंह ने शादी की है और अब इस शादी के बाद ट्रोल किंग वीरेंद्र सहवाग ने ईशांत शर्मा को ऐसी सलाह दी है जिसे सिर्फ ईशांत ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो हाल फिलहाल में शादी करने जा रहे हो। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग ट्विटर पर शांत बैठ जाएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर प्रतिमा सिंह से शादी रचाने वाले क्रिकेटर ईशांत शर्मा को वीरेंद्र सहवाग से एक खास सलाह मिली है। टीम इंडिया में उनके साथ ही रहे पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और अब ट्विटर पर चौके छक्के लगा रहे वीरेंद्र सहवाग ने शर्मा को शादी के बाद खुश मिजाज जिंदगी का सीक्रेट बताया। सहवाग ने दोनों की शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी और ईशांत के लिए लिखा, शांत मन रहना ईशांत। अब सहवाग इशारों इशारों में ईशांत को क्या समझाना चाहते थे ये तो वही जाने। आपको बता दें कि ईशांत और प्रतिमा ने 9 दिसंबर को गुरुग्राम में सात फेरे लिए। दोनों ने 19 जून को सादे समारोह में सगाई की थी। शादी में भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और स्टार प्लेयर युवराज सिंह, इस शादी में रेसलर योगेश्वर दत्त भी शामिल हुए थे। ईशांत ने शादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था। न्योता देने के लिए ईशांत के साथ प्रतिमा भी गयी थी। हालांकि मोदी शादी में नहीं आ पाए। खाने ऐसी चर्चा थी कि ईशांत और प्रतिमा दिल्ली के वसंत कुंज स्थित डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास ही बास्केटबॉल कोर्ट में मिला करते थे। 2011 में आरआईबीए लीग में ईशांत शर्मा चीफ गेस्ट बनकर आए थे। तभी दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। प्रतिमा सिंह वाराणसी से खेलती हैं और उन्होंने भारतीय बास्केटबॉल टीम का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया है। वो भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान भी हैं। देश के बास्केटबॉल जगत में सिंह बहनों के नाम से मशहूर प्रतिमा पांच बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी सभी बहनें भी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।